सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज जगदीश और गाइस दोबारा आए हैं नई वीडियो के साथ में। और गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो है। गाइस क्या होता है आजकल हम जो है कई ऑफर्स में फंस जाते हैं। जब भी पेमेंट्स या किसी कारणवश पैसे अगर हमारे पास नहीं होते, छोटे मोटे ऐप जो आजकल देखिए कोरोना टाइम से जब से शुरू हुआ है कोरोना, तब से बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंकें जो है छोटा मोटा लोन देते, 10,000, 20,000, 15,000 लोन इंस्टेंट लोन देते। और जब भी ऐसे आप अगर कोई नॉर्मल इंसान इस चीज़ों में फंसता है, क्या होता है इंस्टेंट पैसा मिल जाता है तुरंत 10-5 मिनट में, आधे घंटे में, एक घंटे में, दो दिन में, एक आधे दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये एक जाल होता है गाइस, ऐसे चीज़ों में कभी फंसना नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जो होता है ऐसी चीज़ों में मैक्सिमम फंसता है। तो ऐसे लेना, क्योंकि क्या होता है गाइस इनकी हिडन चार्जेस होते हैं, ऐसे चार्ज आपको बताए नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम कब फेस करना पड़ता है, जब पेमेंट आप ड्यू क्लियर करने जाओगे। इनके चार्ज होते हैं 40-45% तक, ट्रस्ट मी गाइस बहुत चार्ज होता है इनका। इनके इतनी हिडन चार्जेस होते हैं कि अगर आप अगर एक आध साल तक 2-4 महीने तक अगर ड्यू क्लियर नहीं करो, 10,000 का मान लीजिए छोटा सा आपने लोन लिया, तो उसका 20,000 कर देंगे। नॉर्मल बैंकों में अगर आप पेमेंट अगर पैसा अपना रखते हो सेविंग में, 10 साल लगते हैं इसको डबल होने के लिए, नहीं तो 10 दिन में महीने भर में डबल कर देते हैं पैसे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो जो है वो नेशनलाइज बैंक से आपको लेना है। ठीक है, ऐसे चीज़ें वैसे NBFC वगैरह से नहीं लेना है। उसमें क्या होता है, नेशनलाइज बैंक से आप लोगे, किसी प्राइवेट बैंक से आप ले लोगे, क्या होता है आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, 10-12% रहेगा। 40-45% क्यों देना है, इसलिए तो क्विक सोल्यूशन देते हैं, तुरंत वेरीफाई कीजिए, आधार वेरीफाई कीजिए, आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप ये लोन, आपको ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे आजकल ऑफर्स आ रहे हैं ऐसे कि आप लोन लीजिए, ये इतना लोन लोगे आपको बिजनेस ट्रिप फ्री मिलेगा, मतलब सॉरी घूमने फिरने वाली जो ट्रिप्स होती हैं वो फ्री मिलेगी। बहुत तो क्या होता है कि खुद तो लेते ही हैं, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, सबको दिला देते हैं। यानी ये तो ऐसा है कि हम डूबेंगे सर, दूसरों को भी लेकर डूबेंगे। तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम जो आपको ऐसी आशाएं दिलाई जा रही है, ऐसे कोई ऑफर दिए जा रहे हैं, ऐसे कभी नहीं फंसना है। मैं तो कहूँ कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो लीजिए, कैपेबल हो तो लीजिए, नहीं तो लीजिए। ठीक है, एक बार कैसे कैश उधार ले लो तो दो बात आपको सुना देगा, वो आप सुन लेंगे, लेकिन जो इनका रिकवरी करने का तरीका होता है बहुत ही ख़राब, बहुत ही खराब। इतना होता है कि इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि आत्महत्या करने का कार भी सुसाइड कर लेते हैं, क्या करेगा, टेंशन लेके भी इतना क्या करेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। कभी भी लोन लेना है नेशनलाइज बैंक से लेना है, राइट। कभी भी आपको ऐसे फेक एप्लीकेशन वगैरह से लोन मिलो, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत परेशान हो जाओगे। और गाइस कभी भी आप देखोगे, जब भी आप वो एप्लीकेशन से आप लोन लोगे, आप कभी देखिए हर चीज़ को अलाउ करते हैं, फोन वो गैलरी ये है फलाना है ढीका, क्या होता है जब भी आप चीज़ें अलाउ करते तो आपका उनके सर्वर पे सब चीज़ें जाके फिट हो जाती हैं। और इसका इस्तेमाल कब होता है, जब आप पेमेंट्स नहीं टाइम पर दे पा रहे किसी कारणवश। ठीक है, जब आप नहीं दे पाओगे तो आपको फिर अपने कॉन्टैक्ट में कॉल किया जाएगा, आपकी गैलरी के फोटोज़ वगैरह मिसयूज़ किए जाएंगे, राइट। न्यूड फोटोज़ वगैरह बना के आजकल के बड़े बड़े तरीके आजकल अपना डर नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप कंप्लेन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बस कभी भी ना एक चीज़ और है, कोई अगर छोटा मोटा लोन वगैरह ले रहा है या क्रेडिट कार्ड ले रहा है, तो अपना रेफरेंस नंबर खास करके उन्हें नहीं देना है। भाई मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, आपने कहा कि मैं ले रहा हूँ भाई अपना रेफरेंस नंबर देता हूँ, नहीं है। क्या होता है कि भी किसी कारणवश बंदा जो क्रेडिट कार्ड जो उसने लिया है वो कभी सुखी नहीं रहता है। वैसे जब वो ड्यूज क्लियर नहीं होंगे तो आपके नंबर पर फोन आना शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाड़ा वो काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे कभी भी क्या होता है, जब भी रिकवरी करना है इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपको डाला जाता है, तो इनको ट्रेनिंग आती है भाई नहीं आपको प्रेशर नहीं देंगे तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, राइट। उनके भी तो टारगेट्स वगैरह होते हैं भाई, बैंकें अगर रिकवरी करने के लिए अगर दे रही हैं किसी भी रिकवरी एजेंसी को, तो जैसे उन्हें एक टारगेट देती है, अगर टारगेट मेट नहीं करो तो फ़ायदा क्या, किसी और को दे देंगे। जो टारगेट मेट करवाना है तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा, मैनेजर के ऊपर, TL के ऊपर, SME के ऊपर, फिर एजेंट के ऊपर। तो एजेंट के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो आपके ऊपर प्रेशर दे, तो आपको प्रेशर में नहीं आना है। नॉर्मली बात करना है कॉल्स, ईच एंड एवरी कॉल्स कोशिश करूँगा इस ईच एंड एवरी कॉल्स पिकअप कर सकते रिकवरी हो, पिकअप जब तक करते रहोगे कॉल्स, राइट गाइस। कभी भी आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल नहीं आएगा, ये हमेशा बात रखिए। जब आप जिस दिन आप कॉल 2-4 कॉल 10 कॉल पिकअप करना बंद कर दोगे, आपके जो रेफरेंस नंबर है वहाँ पर कॉल चल जाना शुरू हो जाएगा।
वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगा, आपकी जो फोन बुक की जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे कॉल आना शुरू हो जाएगा, राइट। क्योंकि RBI ने कोई नहीं अलाउ नहीं किया है, एज़ पर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से आप जो भी लोन्स वगैरह ले रहे हो या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या EMI ले रहे हो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, ना कि रिलेटिव या रिश्तेदार वो सब जिम्मेदार, तो ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत टाइम आपने ये भी देखा होगा गाइस कि बंदा आ रहा है, आप एक दो विजिट हो गई, नहीं आपने दिया स्टेट में आपने मना करते, तो कहता है कि भाई आप क्या कर दिया, हमें अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का जो कॉपी है उसके पास साइन करके दे दीजिए। बस ऐसा कुछ नहीं है, जिस समय आपने लोन्स वगैरह लिया या क्रेडिट कार्ड आपने लिया उसमें सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए गए हैं, 75 जगह आपने साइन किया हुआ है, तो एक नई जगह साइन करके देने का कोई मतलब ही नहीं होता। मान लीजिए किसी कारणवश आपको जानकारी नहीं, आपने अगर दे दिया है साइन करके, कोई डरने की जरूरत नहीं, उसी वक्त साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालने के लिए कि अरे यार हमने साइन कर दे दिया हमें, अब क्या होगा, फलाना है ठेका ये है, 50 रुपये बताएगा वो आपको, होना कुछ नहीं। अगर आपने कर दिया है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर आपको अवॉइड ही करना है कि सब चीज़ें नहीं है, मतलब आपको साइन वगैरह नहीं करना है। जब भी आपको कहा जाए तो आप बता दीजिए कि जब भी हमने लिया हमने बहुत सारा फॉर्म साइन किया, देख लीजिए अगर आपने कोई लोन अगर ले रहे हैं कोई लोन, ठीक है, आपको कितनी जगह साइन करना पड़ता है दुनिया भर की, हम कभी सोचते भी नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बिना पढ़े लिखे हम अगर साइन कर देते हैं, ये सब चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या होता है, हर बैंक का तो ये दिया गया कि भाई 90 दिन में NPA में डाल देना है कोई भी रिपोर्ट, NPA मतलब नॉन परफॉर्मेंस रिस्क, आपको घोषित कर दिया जाएगा कि मतलब कि भाई ये जो एसेट है जो ये रिकवरी जो हमने दिया है लोन या क्रेडिट कार्ड दिया वो रिकवरी नहीं हो सकता। तो गाइस क्या होता है, बैंक का भी अपना एक रेशो होता है कि इतने परसेंट में ही NPA डाल सकते हैं, क्योंकि सब बैंक की क्या होती है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, हमें कैसे पता है कि कौन सी बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है कौन नहीं, तो उनके शेयर्स होते हैं ऊपर नीचे जब हो रहे हैं, यानी किसी बैंक के शेयर बहुत ऊपर जा रहे हैं मतलब बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एग्जाम्पल तौर पर मैं समझाता हूँ, बहुत सरल तरीका है, किसी इंसान को पेमेंट आप दे रहे हो बिजनेस करने के लिए, जो आपको किसी बिजनेस पैसा लागत लगा रहा है और उसे रिटर्न्स मिल जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो आपको देगा पैसा। आप किसी भी ऐसे इंसान को पैसा क्यों दोगे जबकि भाई किसी को बंदा वो दे रहा है इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका पैसे रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको नहीं दोगे, तो वही इसी तरह से होता है कि बैंक का भी अपना जो है लिस्टेड जो होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है इसी तरह से कैसे आता है कि उसका भी 26 लास्ट में अगर आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले लक्ष्मी विलास करके एक बैंक का वो डूब गया, उसका जो NPA का जो रेशो था 26% था, यानी जिसमें उन्होंने 100 लोग को लोन दिया है जिसमें 26 लोगों ने नहीं दिया, उसका NPA जो है लाख से नीचे गिरा और उसका शेयर NPA गिरा शेयर से नीचे गिरेगा, कोई भी पैसा क्यों लगा ऐसे बैंक में पैसा क्यों देखा जिसके जो है लोन्स जो दे रहे हैं जो उससे रिकवर नहीं हो पा रहे, जब बैंक रिकवर नहीं कर पा रहे पेमेंट नहीं दे पा रहे तो आपको देगा कैसे भाई। शेयर्स अगर आप ले तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कुछ आपको हिस्सा दिया जाता है उसका, जब बैंक के जब आपको टाइम पे खुद नहीं कमा पाएंगे तो आपको देंगी कहाँ से, इसीलिए ज़्यादातर NPA में जल्दी केसेस डालते नहीं जाते, भले आपको बोल दी जाते हैं कि NPA में चला जा रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन डालते नहीं जाते कभी नहीं चाहते। कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से आपको जानकारी इन सब चीज़ों की अगर रहेगी तो बहुत सी चीज़ आप बच जाओगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।